इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम का आधार संकलन है। विश्वसनीयता के लिए संदर्भ ग्रंथ का संपर्क करें। इतिहास के पन्नों से दिनांक 15 जनवरी। 15 जनवरी सन 1929 में मार्टिन लूथर किंग इनका जन्म हुआ। सन 1923 में महादेव गोविंद रानडे इनका निधन हुआ। सन 1931 में अमरावती नगर पालिका तरफे लोकनायक बापूजी अणे इन्हें मानपत्र प्रदान किया गया। सन 1932 में अमरावती में देशभक्त पार्वतीबाई पटवर्धन की जेल से मुक्तता की गई। सन 1948 में लेडी यशोदाबाई इनका निधन हुआ। ये अमरावती की रहने वाली थी। सन 1970 में नगर वाचनालय अमरावती शताब्दी महोत्सव इसे स्थगित किया गया। सन 1989 में कवि सुंदर जी बेटाई इनका निधन हुआ। सन 1835 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनका जन्म हुआ। सन 1938 में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इनका निधन हुआ। सन 1926 में संगीतकार ओपी नैयर इनका जन्म हुआ। सन 2002 में राष्ट्रध्वज सामान्य व्यक्ति भी लहरा सकता है, यह निर्णय न्यायपालिका ने दिया। सन 1934 में बिहार में भूकंप से 20,000 लोग मृत हुए। सन 1949 में भारतीय सेना के प्रमुख बने जनरल करियप्पा। सन 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। सन 1978 में 1,000 व उससे बड़ी नोट इस पर बंदी लाई गई। सन 1986 में सन 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा इनका निधन हुआ। सन 1875 में कॉटन मार्केट में दलालों को परवानगी दी गई। सन 1920 में दादा साहेब खापड़े ये इंग्लैंड से वापस आए। सन 1924 में अमरावती राजा प्लेट में कट फिर से सन 1924 अमरावती के राजापेट में प्लेग से 3 लोगों की मृत्यु हुई। सन 1931 में हो गया कट। सन 1932 में दाजी साहब पटवर्धन की धरपकड़ की गई। सन 1934 में अमरावती में भूकंप के सौम्य झटके लगे। उसी दिन बिहार में भी भूकंप आया। सन 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध समाप्त हुआ। सन 1564 में गैलीलियो इनका जन्म हुआ। सन 1919 में छत्रपति शाहूजी महाराज शिक्षण व्यवस्था शुरू की गई। सन 2012 में पहली महिला फोटोग्राफर होमी व्यारावाला इनका निधन हुआ।